तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। मैं यह बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी चैनल पर 4000 घंटे पब्लिक वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं आप, तो आपको चैनल मोनेटाइज अप्लाई करने से पहले जो छः रूल बताए गए हैं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये 6 रूल आपके चैनल में फॉलो नहीं होते हैं तो आपकी चैनल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए हम आपको वो 6 रूल के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिए और घंटे को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो देख सकते हैं हमारा चैनल मोनेटाइज है। मैं आपको जो भी बात बताऊंगा वो सही बताऊंगा क्योंकि मैंने भी उस चीज़ को फॉलो किया है। तो और मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि मैंने चैनल कैसे मोनेटाइज किया, क्या क्या नियम का पालन किया। तो सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूँ, तो हम पेज पर चल जाते हैं। यहाँ पर हम मोनेटाइज रूल पर देख लेते हैं, कुछ देर वेट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैनल की मुद्रीकरण नीतियाँ। तो हम यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए जब हम अपने चैनल की समीक्षा करते हैं तो हम क्या जाते हैं, अगर आपने अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया है तो YouTube टीम आपकी क्या क्या जो 6 बातें मैंने बताई हैं आपको वो क्या क्या हैं। तो मुख्य विषय मतलब कि आपका चैनल किस टॉपिक पर बना है। मान लो आपका चैनल टेक्निकल पे बना है, आपकी यूट्यूब टिप्स बताते हैं, या आप कुकिंग बताते हैं, कुकिंग की चैनल है आपकी, या गेमिंग चैनल है आपकी, कोई सी चैनल, उनका मुख्य विषय। मान लीजिए आपकी कुकिंग की चैनल और आप टेक्निकल से जुड़ी वीडियो डालते हैं या गेमिंग वीडियो डालते हैं, तो इस प्रकार का आपको नहीं करना है। तो आपकी गेमिंग की चैनल है तो गेमिंग की वीडियो डालना है, टेक्निकल की चैनल है तो आपको टेक्निकल की वीडियो ही डालना है, ऐसे दूसरे वीडियो आपको नहीं डालना है बिल्कुल भी। और सबसे ज़्यादा देखे गए वीडियो मतलब जो भी आपके पॉपुलर वीडियो होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा व्यू आते हैं वो यूट्यूब चेक करता है कि ये व्यूज़ कहाँ से आए। कहीं आपने व्हाट्सएप पर शेयर करके बहुत बड़े ग्रुप में मतलब ग्रुप में शेयर करके व्यूज़ तो नहीं बढ़वाए, या सोशल मीडिया पर शेयर करके व्यूज़ तो नहीं बढ़वाए, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। व्यूज़ जब यूट्यूब पर आप अपलोड करते हो तो इसका लिंक कहीं शेयर नहीं करना है, इससे आपकी चैनल मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम हो सकती है। और नवीनतम वीडियो जो आप नवीनतम वीडियो डालते हैं, जैसे नए वीडियो डालते हैं मोनेटाइज के लिए अप्लाई, जैसे कि आप मोनेटाइज अप्लाई करने के बाद भी वीडियो डाल सकते हैं, नवीनतम वीडियो की वो जांच करते हैं कि किस टॉपिक पर बनाया गया, जो आपने जानकारी दी है वो सही है या नहीं। वो चौथा पॉइंट है कि देखे जाने का कुल समय सबसे बड़ा अनुपात मतलब आपके किस वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ बढ़े हैं। कहीं आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारी साइट होती हैं जिनमें पैसे देकर हम व्यूज़ बढ़वा सकते हैं, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी चैनल बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होने वाली। वो वीडियो मेटा डेटा शीर्षक थंबनेल और विवरण सहित, इसका मतलब यह है कि आपने जो वीडियो बनाया उसमें थंबनेल कुछ और है और वीडियो में आप कुछ और जानकारी देने वाले, तो ऐसा नहीं करना है। जो वीडियो में है वही थंबनेल बना है, वही डिस्क्रिप्शन लिखना है और वही टाइटल लिखना है। जो वीडियो में है वीडियो से अलग आपको कुछ नहीं करना। और छठवीं बात यह है कि आपके वीडियो पर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं होना चाहिए। कॉपीराइट क्लेम होगा तो वीडियो आपकी मोनेटाइज हो जाएगी, परंतु यदि स्ट्राइक वार्निंग है तो आपका चैनल बिल्कुल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि आप दूसरे के वीडियो बिल्कुल मत डालिएगा। तो दोस्तों अगर आप समझ पाए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो से कुछ नॉलेज मिला है या नहीं। और अगर आप कभी वॉच टाइम कंप्लीट हो गया तो आप ये सारे नियम देखकर अपने चैनल को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे।